फिर लूडो। शाबाश। क्यों है पुत्र, छक्का है या काना है? कुछ भी नहीं है। कुदों में जेड़ी चीज आ जाती ना, तेन सूट बड़ी कर दी, काना भी और छक्का भी। आप अंपायर का किरदार अदा कर रहे जी। अगर उन दाने आ गए वो ना मने तो फिर मैं रिव्यू लवांगा। चल भाई तेरी गई भी गोटी। वो है वे गई। तो, चल बेटे, चल चंडी बेटे। दाना चल दाना। लड़ना ना तड़ी मेहरबानी, आराम ना लूडो खेडो। ए भाई बकवास कर रहा, बेईमानियां कर दे। ओए तू की गल कर रहा है, मेरे तो जाया ना हो जाई। मैं तो दाना चल चुक थोपड़ी लूडो दफा कर रहा है। दिता सी इधर आ तू अन्नी दे बच्चे मारा तड़े मुंह ते। ए लूडो तड़े पियो दिए, ए मेरी लूडो है, किराए तो दीती है तुम्हें। गोटियां गटियां करो, चुक है चुक, चल काम कर, वेला बैठा रहना। तू भी कह चुक। ओए बदमाश, सीरियस ले लिया लूडो को इन्होंने। देखो मेरी लूडो को क्या शर्क है इन्होंने। आखिर आप हैंग करो, कुछ तो मेरी फेवर करो। मैं तो चाहना वीना जी के पल्ला है प्यार मोहत नारायण। चलो कठिया करो पुत्र जल्दी। आ किराया लेना ते चुक भी आप। ओए मारना तप तेरे, चुक ना चुक। पता है कि वीना जी ये मल्ले च इस तरह रहने जिम्मे खानदानी दुश्मनी है, इन्हें प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। प्यार मोहब्बत बांट रहे, चलो शुक्र है कोई तो अच्छा काम कर रहे हैं आप। चलो मेहरबानी, तुम मेरी तारीफ तो की ना। लूडो खेलते रहते हैं। आपके मोहल्ले का नाम लूडो मोहल्ला होना चाहिए। पिंडी में है ना लाटू मोहल्ला, उस मोहल्ले का नाम इसलिए पड़ा था कि सब लोग वहाँ लाटू खेला करते थे। जेड़े इलाके जेड़ी गेम होंदी उहदा नाम रख दईए, जिथे घोड़े दौड़दे घोड़ा मोहल्ला रख लईए। मालवा करते हो, ये इलाका मशहूर है, अंदरून है साडा शहर। साडी गेम ना खराब करो, अपना शो करो, ताडी मेहरबानी। चल हुण चुप कर जा। पंज 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 अन्नेया नु नजर आंदा पंज। पुत्र पंज ही, मैं कोई टीरा नहीं है, पंज का ए और मेरी बारी। हां ये वो नहीं है आपके पास वो जिससे फेंक? वो अभी इन्होंने उछाला है तो वो पकड़ लेती आप तो स्लिप में बैठी हुई थी। जिथे मर्जी कर, मैं चोर नहीं, मैं चोर दी मां मारनी। मां नहीं, मैं प्यो हां। एक मिनट ठहर, तुसी एंकर हो, कोई तो समझाओ इन्हें। कैसे समझाऊं मैं, असल फसाद की जड़ तो आप है। पहले दो दुश्मनों को लूडो दे दी, फिर आपस में लड़ाई करा दी। एक मिनट ठहरो, ये लड़ाई सारी खा गए। मेरा नुकसान होया, वो पूरा करना दो घर आने। मेरा को लवो भाई, असली मेरा को लवो भाई, उन्हें चुके है, चाचा ने चुके है। चुप चल, तू एक मारया उल्टा चोर पतवाल को डांटे, इन्हें मेनू बहुत मारया। मासूम जा मेरा पुत्र, हल्की हल्की चोरियां करने वाला, तुसी इन्हें मोहल्ले च कुटोगे। ये लड़ाई आज लूडो की नहीं लग रही मुझे, बहुत कोई पुरानी अजली दुश्मनी है आप दोनों की। ओ बीना जी, यही तो 55 साल तो इथे रहन दे हैं। हां ए रिफ्यूजी हुण आए ने, इन्होंने पूरे मोहल्ले का माहौल गंदा करके रख। साडी बकरी ने मेंगड़ा करती है बूए अगे। मेनू मेंगड़ा सहना, चाचा जी तू मेंगड़ा सहेगा तेरी। ओ तू मेनू मेंगड़ा, मेनू लो मेरे प्यो दे छोड़ो। सीस फायर तू समझ की रही अपने आप नु। माही मैं तेरी उम्र दा लिहाज करी पर हाय मेनू बड़ा कह देता, मेनू बड़ा। एक मिनट मोहल्ले का ये रख तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, ऐसा भी होता है? हाय मेनू बड़ी उम्र दा क्या है, अपनी उम्र दी वजह ते दा रिश्ता नहीं हो रहा। गंगर वर्गा दा पुत्र है, हये भी वड्डी नहीं है। एक मिनट तू ते अपने इलाके च चल। ए कुड़िया खातिन, आप थोड़ा होश के नाखन ले, पहले लड़ रहे। देखो मेरी गल सुनो, पैड़ी गल है इस तरह, तुहाडी मेहरबानी मेरा दिमाग फटने वाला हो गया है। इस इलाके क्यों दुकान पाई है मैं? असल कल्प्रिट तो आप है ना, बहुत खुश है आपके आपकी इस इलाके में दुकान। मैं तुम्हारे सामने ना रोक नहीं रहा कि झगड़ा ना करो, बैठो आराम ना। तेल डाल रहे हैं, रोक कर रहे हैं। देखिए मैं आप दोनों फैमिलीज को बता रही हूँ, ये फसादी है, ये आप लोगों में लड़ाई करा रहा है
आप दोनों आपस में सुलह कर ले। हाँ, ये फसादी नहीं है। बशीर दा की कसूर है? बशीर वर्गा बंदा के लबड़ा ए मेरे महल की छावनी है, जो मेनू असला चाहिए ना मैं इतों चुकना। तो यही समझे ना, जब आप लोगों की लड़ाई होती है उसका माल इस्तेमाल होता है, नुकसान होता है मेरा। तुहाडा की मसला है? मैं जेल चला जावा? मैं गुलरेज भाई सॉरी, झगड़ा जा कर रहे सन। रात दी ड्यूटी आ मेरी, मैं ड्यूटी ते नहीं जाना। अपना गुलरेज भाई एडा माशाल्लाह फ्रेश होके सुता पिया सर। इहो जे बंदे दा ना गुलरेज ते नहीं होना चाहिए, इहो जे बंदे दा ना होना चाहिए रेस भाई। तेनू समझा ला बशीर, तू समझदार है इस मोहल्ले च। मैं गुलरेज माफी चाहना, तुसी जाओ आराम करो, छोटी मंजी तुहाडा इंतजार कर रही होंदी। या आपके मोहल्ले के कोई बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ा एहतराम है इनके? नहीं, ये मेरे मालिक मकान ने, यानी दुकान के मालिक ये ने। हुण किसे दी आवाज ना निकले, तुहानू मेरे गुस्से दा नहीं पता, जे मैं बाहर आ गया ना। एक देखो मेरी गल सुनो, निक्की जी बारी इन्हें आ भी जाना है। 2 फुट का तो गुलरेज है, तू जाओ आराम करो भाजी। हुण तुहाडी आवाज ना निकले। किन्ना नुकसान होया यार तेरा? अंकल छड़ दिओ, रोजाना ही हुंदा है। ओ तू दस यार, 500 दा होया, 500 रुपये दा नुकसान होया, ये कड़ी गल है? इसी वजह से ये लड़ाइयां कराते हैं, आपका नुकसान तो पूरा हो जाता है। 500 एडवांस रख। ओ अजे दुश्मन इस मोहल्ले चो गए नहीं। मैं कहा बशीर मेरे वाले किन्ने पैसे बने? नहीं नहीं, तुहाडे कोल 1 रुपया नहीं लेना। फिर भी दसो किन्ने बने? नहीं नहीं, तुसी एडी ईमानदारी नाल चपेड़ा खादी, मार खादी, डब्बे खादे, बैठो तुसी आराम नाल। भाजी बह जाओ। बशीर मेरे तो सवेर दा गुस्सा आ रहा कि देखो उधर बिजली है, इधर बिजली है नहीं। ए मैं तुम दस दवा, बिजली दे ना तू दोबारा लेना नहीं। क्यों, तू लेस्को दा साला है? इधर चल। 1 मिनट अंकल, ये बिजली तो सबका मसला है, क्या बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे? ओ गल सुनो जी, तुसी भी आ जरा बिजली बिजली ना नहीं लेना, ये सारे चेजा ले रहे ने। किस चीज का चेजा ले रहे हैं आपका? ओ तुसी भी नाल मिल गए हो? अजीब पागलों जैसी बातें कर रहे हैं आप। तुसी देखो नसीब वाले दे घर बिजली है नहीं, बद नसीबा दे घर बिजली है। मोहतरमा आप अब क्यों रो रही हैं? हुण की फायदा रोण दा, हुण जो गंदे मीटर चो लंघ के अगे चल गई, हुण मेरे की कसूर है? यार मेरी गल सुन, बैठो यार, तुहाडी मेहरबानी। अंकल प्लीज तशरीफ रखो। ये मैं एक बात समझना चाहती हूँ, आप दोनों खानदानों में दुश्मनी किस वजह से है? मैं दसदा जी, इन्हां दा नाम बिजली हैगा। यार ये तो गल ही नहीं बशीर, एक दिन मेरे घर नहीं सी आ रही, मैं उनके अद्धे घंटे लिए अपनी बिजली दे दो, इन्हें गलत समझ लिया। वैसे चाचा जी गलती तुहाडी भी, उन्हां दी वाइफ दा नाम बिजली। साडी की गलती? मैं उते खलो के छत तो पुछया बिजली है, कहंदा जी है ही नहीं। ओए मेरी मां दा नाम ना लईयो। ओ मां दा नाम की, असी बिजली दा नाम लै रहे हां। ओए ओने तेरी मां दा नाम लै ही नहीं, ओने तो बिजली दा नाम लै, बिजली दा नाम लै रहे। तू बिजली दा तबीज कीता मैं समझा की मुंडे नु समझा, मार मार मार। हेलो 15 आते पहुंचो, दो खानदानों ने एक दूसरे पे हमला कर दिया है, जल्दी पहुंचो। हां जी, तो ये फोन पहले कर देते आप? फोन तो मैं कीता ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है पहले दिन की दिहाड़ी लग गई, सौदा ही नहीं विक रहा, हालात ही हो जाओगे। कितनी तो घटिया जहनियत है आपकी। किसकी? आपकी। बच्चों का रिजक ना कमाइए, अपने रिस्क कमाने के चक्कर में लोगों की लड़ाइयां करा रहे हैं आप। ओहो, रौनक कैसी लगी मोहल्ले दे विच? अच्छा, अभी जो ये लड़ाई हुई है ना, ये महंगाई की वजह से हुई है, ना पेट्रोल की वजह से हुई है, ना किसी और चीज़ की वजह से हुई है, ये सिर्फ आपकी वजह से हुई है। वीना जी तुसी वेख लेना, एक दिन मैं इन दोनों घरों की सुलह करा देंगा। okay. मेरा मिशन हैगा कि आपस में लड़न ना। हाँ हाँ, मिशन तो आपका इज क्वाइट ऑब्वियस, टू सेल योर प्रोडक्ट। बड़ा पीसफुल मोहल्ला होता है, पहले गाहक टोर लो, पीसफुल मोहल्ला। दुकान पे आओ बेटा, की चाहिए? मैंने 10 रुपए दे टाफियां। अब पुत्र पहले मेरी सारी चीजें इकट्ठी कर। अच्छा जी, जल्दी फटाफट। ये अभी देखे, उधर से भी पैसा कमाया, इधर से भी कमाया, हूँ कट्ठा ना करा रिजक है, उधर रख उत्ते इतने और चुक सारा कुछ। पता की वीना जी हालात की, मैं ये चाहना लड़ाइयाँ होती रहे। देखो मेरी गल सुन, लड़ाई दी तो गल ही नहीं, प्यार मोहब्बत ना रहना चाहिए बंदे नु, दुनिया 4 दिन दी। वैसे आप यहीं रहते हैं या सिर्फ बिजनेस के लिए आते हैं? नहीं नहीं, ये मेरी दुकान हैगी, घर तो मेरा पीछे का, तुम मालक मकान वेखन गुलरेज साहब, इन्हों को कमरा लिया मैं किराए से। अच्छा। हाँ जी, उत्थे ही रहना। आप भी यहीं रहते हैं या आपने भी कोई लिया हुआ है? मैं जो इतने आया ना, तुम इतने बैठे होंगे हो।
नहीं रहती है? नहीं जी। अच्छा इतनी बेरुखी से ना आप कहा करें नहीं जी, अगर बंदा जवाब देता कि हाँ जी इतने नहीं, नहीं मेरा फलां जगह रहनी है। मैं आपको ये डिटेल्स क्यों बताऊं कि मैं कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं? ओए पुत्रा इधर आ, ओए ना बेटा ना इस तरह ना कर। जी जी हाँ, इतनी मेहनत तो की है, फड़ कुछ तो खा ना, सेहत बना। मेहरबान, थैंक यू बेटा। भुलने वाली तो गल ही कोई नहीं, अब इतों रक्षे तो उतर के किसी ने पूछ लेना बशीर जनरल स्टोर, उत्थे पहुँच गए तो तुम घर पहुँच गए। आ जाओ आ जाओ, खैर नाल पहुँचो, आ जाओ। ए चाचा जी कौन? यार अपनी फलक नू वेखण लई आ रहे ने। अच्छा रिश्ते वाले? रिश्ते वाले ने। बैठो चाचा जी, पढ़ना मैं गल करनी। कर बशीर। गल हैगी कि मल्लेदारी हैगी। हाँ हाँ ठीक है। देखो बच्चे सारे तो सांझे होंगे ने। क्यों नहीं? देखो कुड़ी टूर नहीं गई, मैं चाहना कि तुम जरा ना अपने दिल साफ कर लो। ओ बशीर मेरा यार दिल साफ है, देखना हूँ मैं गल करांगा फिर सारे फुड़ के बाहर आए ने। हूँ तुम अपने ईमानदार ने दसो, ए गवर्नमेंट ने बिजली के रेट फिर नहीं बधाए, हूँ बंदा गल भी ना करे। एक मिनट ठहर जाओ, पता की उन्होंने वाइफ का ना है, तुम ये कह लो कुछ होर कह लो, बिजली के कुछ इंग्लिश भी ना ने। ये वो बात भूल के बाहर आए हैं, आपने फिर उनको याद दिला दी है। नहीं मैं उन्होंने होर गल कर रहा, तुम अगर मेरा प्यार कर दो तो तुम ना नहीं करनी प्लीज। बशीर मैं पता मैं तेरा किना हया कर रहा, तेरे पता ना, तू तो हुक्म कर अपना। फिर क्यों जा रहे हैं आप उनको बुलाने? एक मिनट ठहर जाओ। कौन है भाई? अब भाई जाना फैमिली लेके बाहर आओ जरा। आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ बाहर। आओ जी आओ। लो इधर अपन शायद शुरू। आओ जी इधर आओ, उधर बैठो। ये होने की होया है? इधर बैठो। खैर ना याद कीता फिर दुश्मनों को बुला ले। बस पुत्र एक मिनट, मैं जुबान दे बैठा बशीर नु, असी दम तो दम नहीं चुकना इथे। अपना पता गल की गई? हां जी उन्हां दी बेटी दा रिश्ता आ रहा है, देखो मल्लेदारी है, मैं चाहुंदा रल मिल के जी। देखो धियां भैणां सारियां दे सांझियां होंदियां ने। हां जी हां जी, अगर रल मिल के जरा इज्जत बन जाएगी मल्ले दी, रिश्ता वेखण वाले आ रहे ने, अगर प्यार मोहब्बत नाल असीं गल कर लांगे ते कोई माड़ी गल नहीं गी। देखिए ये बात बहुत अच्छी की है उन्होंने, आप सबको माननी चाहिए। नहीं देखो भाजी तुसीं मैनूं क्या है अंकल कि तुसीं मेरी गल मोड़ोगे नहीं? असीं नहीं बोलांगे। सुलह करो क्योंकि तेरी भैन दा रिश्ता आ रहा है, ठीक है, तेरी भी भैन है, ठीक है, साडी भी भैन हैगी, ठीक है। ये गल है कि प्यार मोहब्बत नाल जिहड़ा ना ये कम होना चाहिए, अगले में पता लगे कि मल्ला की है। चलो जफी वाओ, चलो अच्छी बात है, एक दूसरे को गले लगा लें प्लीज। आप बल्ले दी लड़ाई खत्म हो गई। कोई गल नहीं यार, तेरी अपना मेरी बहन। चलो उठो, गिले शिकवे खत्म करो। उठो जी अंकल, उठो, पाओ जफी। ओए होए होए वेख्या जे तिया ब्याहण लई बंदे नूं किड़ियां किड़ियां मुसीबतां चुकणियां पैंदियां ने। तकलीफ ते नहीं राज? नहीं नहीं इत्थे तकलीफ सानू की होनी है भाई। जिंदा रहो मेरा पुत्र, जिंदा रहो पुत्र मेरा। अच्छा ये एक बात बताएं कि ड्राइंग रूम के सारे मामलात भी आप इसी गली में ही तय करते हैं? देखो ये मल्लेदारी है, जिन्ने भी ब्याह होंदे ना, अच्छा दोनों साइड तू गली बंद कर दे दी, कनाता ला के ड्राइंग रूम सारा मल्ला तावन करता है। ये ते तुसी वेखणा सी जदों ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਅਦੇ ਗੁੜਾ ਦੇ ਇੱਧਰ। ਚੇਂਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਔਰ ਰੁਖਸਤੀ ਟਾਈਮ ਇਧਰ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਇਧਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠ। ਕੀ ਬਾਤ, ਆਜੋ ਬੇਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫੀਸ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ, ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੌਦਰੀ ਹੌਦਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਲੱਗਾ? बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं और बहुत प्यारा मोहल्ला है। मुंडा जो छोटा सा ही है वैसे। ए बच्ची दी शादी हो गई? नहीं ए तो बात हो बयानी है। मैं क्या कोई पहलो मामला तो असी तय कर लिए। हाँ जी हाँ जी, जहेज एक लाम था, असी जहेज कुछ नहीं लेना। जबरदस्त, ठीक है। नहीं नहीं ए तो गल गलत है ना, उन्होंने भी कोई इंतजाम किया ही है, कुछ से कुछ देंगे अपनी बच्ची। अंकल हमें सिर्फ लड़की का हाथ चाहिए, हमें दो जोड़ों में लड़की चाहिए। वो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, आप उस पे भी इख्तलाफ कर रहे हैं। पहले पहले दी गल्लां होंदियां ने, बाद च रौला पै जांदा हुंदा है। पूरी गल तय हो जावे ना चार बंदियां च, अच्छी गल है। देखो सानू कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की का हाथ चाहिए। हाथ चाहिए तो नाल नवी आल्टो नहीं जड़ी आई वो चाहिए। वैसे ही कहा सी तुसी एवी घबरा गए, मजाक करन दी आदत आ। वो नहीं लग भी रहा सी मैनूं, तुसी आए सी ना, मतलब मुंह मजाइया जे लगया मैनूं।
ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਿੰਗੇ ਲਾਂਦੇ ਸੇਰੀ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਈਏ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਆਪਕੋ ਖਾਣੇ ਮੇਂ ਕਿਆ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ आलू गोश्त इसके अलावा गोभी गोश्त पापा ये तो हमारी बरादरी की लगता है अच्छा अच्छा तुसी भी राणे हो हां जी जी खुशी हुई जी गोश्त क्या खूब वफाओं का सिला लेते हैं दोस्त बेटा दोस्त मत वजी तेरी लंगर कर कर के पुत्र लो जी राणियां दी फैमिली इकट्ठी हो गई चलो जी क्या बात है भाई साहब ओ परले भी राणे ही ने नहीं 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 ये बिल्कुल झूठ है मैं सारे राणे झाड़ के वेखे ने इस रंग दा ते राणा ही कोई नहीं की मतलब ये कौन है एक मिनट की गल की है कुड़म है साडा तेरे कुड़म ते कहन ते मैं राणा नहीं रहंगा बच्ची दे रिश्ते दा मामला है बच्ची दा रिश्ता फेर हो जाएगा मैं गल नहीं सुन सकता फेर करो यार जलील हो रहा है ऐसे ये आपने हाथ में क्या उठा लिया सर लड़न ना ना मैं इसलिए जरा अपनी जुबान ना अपने अंदर रखो बस अरे रिश्ते वाले आने पागल होया तू हां भी कर दे मार मार ओ यार ओ मेरी बात सुन लो ओ यार ओ मेरी बात सुन लो ओ गल सुन लूं मैं नहीं भाई साहब ओ मेरी बात सुन लो ओ मेरी बात सुन लो ओ मेरी बात सुन लो नहीं लड़ो ओ मेरी बात सुन लो नहीं लड़ो ओ मेरी बात सुन लो ओ तुम्हारा मेरा बात है ओ मेरी बात सुन लो ओ मेरी बात सुन लो ओ अरे वन फाइव पे कॉल करें आप वो वन फाइव पे कॉल इतने से रिश्ता कर ओ इधर आ मुड़े हो आगे चलिए सर जी वैसे ज्यादती है किस गल दी ईद ते पूरी दुनिया नु छुट्टी होंदी है गवर्नमेंट खुद छुट्टियां देंदी है तुसी फिर बुला लिया देख मेरी गल सुन अगर सारे ही छुट्टियां कर लेंगे ते इथे मरीजां दा की बनेगा बेवकूफे कोई जरूरी ईद कर मनाउणी है बहुत जरूरी है देख मेरी गल सुन इहदे तेरा फायदा है मेरा फायदा है इस मस्कीन दा भी फायदा है इतने मरीज आएंगे ईद की क्यों मिलनी है जो डॉक्टर और नर्सा इतने मौजूद हो गए समझिए तो जो घर ले कट देंगे घरों एवं कट देंगे मेरा घर नहीं है मुझे लगता है कि आपके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं आपकी आंखें ठीक है मेरे पीछे दीवार है आगे टेबल है मतलब लगता है ईद पे आपको मिस करने वाला कोई नहीं है गल वीना जी ये है कि इतने मरीज आने मरीजों का किन्ने ख्याल रखना है मैं सिर्फ खिदमत खल्क कर रहा हूँ जो खिदमत खल्क आप कर रहे हैं ना वो तो ना ही करें तो अच्छा और तुम्हें एक गल दसा जो तो ईद तो तीन दिन बाद बंदा मनाए ना ईद उदा मजा ही कुछ हो रहे जो तो सारी दुनिया थक के बह जाएगी असि शुरू हो जाएंगे लो जी सारे उल्टे काम इनके ये बहुत दिनों बाद नजर आए हैं बंटी गया सी अपना यूके यूके सफाई का कोर्स करने के लिए गया हुआ था ए हुन इत्थे दा इंचार्ज लग गया अच्छा जिन्हें सफाई करने वाले ना उन्होंने हैड है हल्के का अपना हैड खराब हो चुका है अस्सलाम वालेकुम इनका खुद का भी लगता है इलाज हुआ बड़ा सोबर तरीके से बोल रहा है यही तो सीखने गया सी पिछले बार जवाब मारते हैं डॉक्टर सारे अलर्ट हो जाते हैं वो मैनरिज्म सीखने ले गया सी कि ऐसा बोलने से मरीज होंगे ने तुसी यकीन जानो तकरीबन बंटी सवेर का मेरे नाल हैगा अच्छा ना ये उच्चा बोलिया ना इन्हें कोई गल की ना इन्हें कोई लाफ्टर लिया लेंदा तो पहले भी नहीं लेकिन यूके चो आके इन्ना क्वाइट हो गया ये हर चीज़ भूल गया लाफ्टर की होंगे लाफ्टर लेना किवें होंगे रैक्ट किवें करना है लाफ्टर देना किवें होंगे ये पता नहीं उन्होंने इनू की बना के भेजता है मुझे तो खुशी इस बात की है कि ओवरलैपिंग तो नहीं करेंगे ना ओवरलैपिंग तो डॉक्टर जोसेफ ने दी काट दी थी बंटी कैसा रहा टूर तेरा सर बहुत बेहतरीन बड़ा तमीज वाला हो गया केड़े हॉस्पिटल कोर्स किया जनाब ने सब तो पहले मेरी ट्रेनिंग उस हॉस्पिटल ही सी जिथे मियां साहब दाखिल सन कैसी गल है हुण इस हस्पताल का मियार की हो गया जिथे मियां नवाज शरीफ रहे ने उथे ये भी रहा इन्हें कोर्स किया है नहीं तो इतने बड़े हॉस्पिटल में आपको चांस कैसे मिला वहाँ पे गवर्नमेंट ने भेजा है देखो हॉस्पिटल का माहौल में डॉक्टर साहब यकीन करो माहौल बिल्कुल इस तरह सी जिस तरह मैं किसी कब्रिस्तान की ड्यूटी कर रही हूँ ऊंचा बोलता नहीं खामोशी डॉक्टर भी लाइट जिया बोलता है फर्ज कर लो मरीज फौत हो गया तो डॉक्टर ये नहीं कहता सॉरी क्या कहता उस सिर्फ कहता है ला जाओ इतने एक बंदा फौत हो पिछे माई ये ज्यादातर होंगी है दो और हो जाते हैं थोड़ी सी ट्रेनिंग आप भी बाहर जाके ले आए मैं तो बाहर से आया हूँ अभी 10 मिनट हुए हैं मैं बाहर चहलकदमी कर रहा था बाहर से आया हूं। तो टेंशन वाली बात ही नहीं है वहाँ के हॉस्पिटल में ट्रेनिंग आपने पोछे से की है वीना जी मैंने ही तो वहाँ जाके पोछा लगाया है और ऐसा पोछा लगाया है बंटी पुत्र इतना बहस करेंगे ठीक है तेन डिग्रेड करेंगे जी जी तू होर डिग्रेड हो जाएगा तू पहले भी है इस गल छोड़ दे पता है
कि बंटी ने उतो सनत किने दीती है किस दिए शहजादा चार्ल्स दो दिन ने उथे ड्यूटी की थी महल में हां जी मलका दे महल दे विच शहजादे चार्ल्स नु ए इतना पसंद आया चार्ल्स दा मेरे पर फोन आया है डॉक्टर साहब बंटी इथे छड़ दियो मैं कहा ना उन्हें तरले कीते ने उन्हें कहा डॉक्टर साहब तुम पता है मेरी कितनी उम्र रह गई है एक तो मैंने उदो इख्तदार मिला जो बाकी दो ढाई साल रह गए बंटी ने खुश होकर उन्होंने इनाम दिते क्या इनाम मिला उन्होंने मलका के पुराने कपड़े सारे बंटी दे उ कपड़े हूँ बंटी की नानी पा के बहिंदी है घर च इंज लगता जिम्मे मलका बरतानिया बैठी मलका दुरानिया विगा जो तो बंटी इतने आया है हॉस्पिटल मलका बरतानिया की विग पाई सी मलका का जिन्ना स्टाफ मेरे तो बहुत खुश हुआ है मुतासर हुए मेरी सफाई तो मेरी सफाई दी कसमा खाते ने तुम पता बंटी किन्ने टैची लैके आया किन्ने टैची लेके आया इतने तो सिर्फ एक हैंड कैरी लैके गया सी अच्छा उतो दस संदूक लैके आया दस संदूक हाँ जी किसे दे हाँ जी अपना तो इधर एक किसी क्योंकि बिजनेस क्लास से आया है अच्छा मुझे लगता है ये थोड़ा थोड़ा आपने झालर को ट्रांसप्लांट भी करवाया करवाया जी जी थैंक्स टू महंगाई लगता है कि रमजान में लोगों ने बदपरहेजी नहीं की कोई मरीज ही नहीं है नहीं ठीक होकर चले गए ने बदपरहेजी निवाह की थी लोगों ने इतनी महंगाई में भी बड़े लोग ने जी सारे गुरबत दे मारे नहीं बड़ा पैसा लोगों को इलाज करा बूट आप लाओ सारी जिंदगी मेरिया जुतियां चुकी नहीं मेरा क्या कसूर है उसके जूते उतरवा दिए अब ना अम्मा जी मैं तुम बूटा का नहीं किया सी वजह जुराबा दी जुराबा भी ला लो सब कंट्रोल करना नक बंद जुराबा उतरन लगी ने हाय वे है मेरा पोते लेकिन स्मेल दा बादशाह है तू मरीज दे जुराबा बाहर लेके जाओ मुझे तो लग रहा है पेशेंट के इलाज के बाद डॉक्टर साहब को खुद इलाज की जरूरत पड़ जाएगी बचिया डॉक्टर टीरा करता है कन्ना चुंगला ला लो मेरे पुत्र दियां जराबां चलन लगियां ने अम्मा जी क्या हुआ डॉक्टर जराबां बाहर सुट गए हां बाहर ते वो क्यों नहीं जा रही एक मिनट बच्चे आप क्या फजूल के चेकअप्स करें इनका स्टमक वॉश करें ना आप आ जाओ इतने दो मिनट खलोता नहीं जा रहा ओए बल्टी यस उधर काट बाल्टी बाल्टी कट ध्यान नाल ध्यान बस 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 आई थिंक इसके स्टमक से पहले इसके पांव वॉश करवा दे नीदे बच्चा पश्तो फिल्म देखने ये क्या रवैया आपका मरीज के साथ थोड़ी जी थोड़ी जी थोड़ी जी इधर इधर ऐ फाड़ ऐ मेरा लाल बस सबर कर मैं मर गया कितना लाल है डॉक्टर एक मिनट वॉश करना मेरा अम्मा जी शर्म करें क्या कर रहे हैं मरीज के साथ जी मेरा बच्चा ये कौन सी मैजिकल दवाई थी जो पिलाने से उसका जहर बाहर आ गया इनमें पेट्रोल पे आया क्योंकि पेट्रोल ना दिल खराब होता है हर चीज बाहर आ जाती है मैं आप दो बार पीता है मेरे पेट खराब सी मैं अनक पी लेना हूँ ये किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप किस तरह के डॉक्टर है थोड़ा कोई मसला है बंद करो डॉक्टर साहब हाँ जी थोड़ा जा पेट्रोल होर पिया दियो मेरा लंबा सफर है एक बारी ठीक हो जा मेरा चन तू जिथे कहेगा मैं तेरी उथे शादी करवा देंगे तो ये क्या किसी लड़की की खातिर इन्होंने जहर पिया है ओए मर जाना किसी कुड़ी नु प्यार करदा ए अच्छा कोई लड़की भी इनको प्यार करता है जो मेरी जिंदगी है अन्नी दा बच्चा बगैर नाड़ा दे प्यार दे सफर कर दो मिनट बाद बेहोश हो जाएगा किसी की बहुत ही बुरी किस्मत होगी कि ऐसा डॉक्टर मिलेगा ना की बच्चे दा ताने अल जफर मुश्किल नहीं हो रहा हमारी ताड़ी जरूरत पेगी हां 10 मिनट पुत्र फटाफट दस मैं अपने पुत्र लिए जान भी दे सकती हूं एदा बेहोश होना बहुत जरूरी है वो दवाई असर नहीं कर रही कम से कम आधा घंटा इन बेहोश करना है तो ऐसी कौन सी मेडिसिन थी जो कान में बतानी पड़ी आपको नहीं पता ना उसके बगैर ये हो नहीं सकता आए, मेरा पुत बचना चाहिए डॉक्टर साहब कोई नई दरियाफ्त करती है मुझे ओए होए आखिर सानू मरीज ने चीजें ही काम आईया थैंक्स गॉड अम्मा जी हुन दसो ये वकुआ की है तो पुलिस केस लेकिन मैं एडमिट कर लिया
दवाई देती है, बेहोश हो गया है। तू दुनिया दे फरिश्ता है पुत्र। गल की हुई है, इन्हें जहर क्यों पीता है? एक कुड़ी नु इश्क करदा सी। अच्छा जी। मैनू कहना ओदे नाल विआह करा दे, साडी बरादरी चो बाहर है। नहीं मतलब गल है मां जी, अगर ए इश्क करदा सी, क्या कुड़ी इहनू इश्क करदी सी? मेरे बच्चे ते ओ जान दिंदी है। कुड़ी मलंगनी है क्यों? या ओनू मां प्यो दी बद्दुआ जिहड़ी ओ जान दिंदी है। ए अज दा इश्क नहीं डॉक्टर साहब, ये दसा साल तो इश्क चल रहे हैं। देखो मां जी, दस साल पहले भी इंज दा ही होएगा, फर्क तो पिया नहीं होना। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮਾੜੀਓ ਆਇਸਾ ਆਇਸਾ ਪਲੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਸਾ ਭਾਵੇਂ ਦਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਪਤਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਦਾ ਭਾਜ जुतियां नहीं मारी दियां, जो उठेगा ना जिनी मर्जी मार लेना। देखिए ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर थोड़ी खामोशी रखनी चाहिए आपको, और भी मरीज है। मैं बेवा औरतें मर जान जोगे ने मेरी धी बदनाम कर छड़िया गया, पूरा खानदान मेरे से ताने मार रहा है। ओ मां जी, ओ रो रही है कि ओ प्यार करती है, ओ बेहोश होने तो पहले दस रही थी, 10 साल का प्यार है उन्होंने। कोई प्यार नहीं है, जादूगर है। ऐसे कपटी दी वजह ना मेरे पुत्र ने जहर पीता। मैं तो दसा उन मोड़ ले अपने मुंडे को, अपनी धी नु मोड़ ना पहलो। 20 साल हो गए मैं बेवा हुई हूं, मैं कुकड़ी बन के जिंदगी गुजारी। ओ मां जी, एडी कुकड़ी तो हुंदी नहीं, एडा शूतर मुर्गा हुंदा है। पुत्र मैं कुकड़ी दी मिसाल तां दित्ती कि मैं अपने बच्चे ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੇ ਦੇ। ਮਾਂ ਜੀ, ਐਡੇ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਐਡੇ ਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਅਮਾ ਜੇ ਦਾਨੀ ਕੋ ਕੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਓਹੋ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾ, ਮਰੇ ਦਾਨੀ, ਮਰੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਮਾਂ। ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ। ਖਮੋਸ਼, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾਨੀ ਕੋ ਕੋਲੋ ਕੋਲੋ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੰਨੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੋ? ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਹੈ ਜ਼ਬੈਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਬਰ ਚ ਸਕੂਨ ਨਾ ਸੌ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਦਲੇ ਲਾਂਗੀ। ਅਨਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਦਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਚਾੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤੇ। ਅੰਮਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਵੇ ਸਾਂ। ਰਜੋ, ਇਹ ਤੂੰ ਜੰਮਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ? ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਸ਼ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਰਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਰਜੋ, ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋਸ਼ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਜੋ, ਆਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਸ਼ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਜੋ, ਦਾਨੀ, ਰਜੋ ਨੀ ਮੌਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਲਾਵੀ। ਆਮੀ, ਓਏ ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਆਇਓ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇਂਗੀ। ਫਿਲਮੀ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾਓ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਏ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਾਢੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਓਏ, ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਏ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਫੈਦੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੋ। ਇੱਥੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਏ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਰਜੋ ਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਜਬ ਲੜਕਾ ਔਰ ਲੜਕੀ ਆਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੇ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲੈ। ਵੋ ਉਨਕੋ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਉਨਕੀ ਉਨਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਚਾਤ ਮਾਰਨ ਦਿਆਂ? ਤੂੰ ਬੜਾ ਹਿੰਮਾ ਮਾਲਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਪੱਖੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰ ਬਸ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀਏ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ ਚਿੰਚੀਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਏ। ਸ਼ਿਕਪੁਰ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਜੁਗਤਾ ਛੱਡੋ, ਸੁਲਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਆਪਸ ਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਜੁੱਤੀ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਖਵੇਂ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੀ। ਤੇਰਾ ਖਸਮ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ 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 ਹ
आप को गोली, मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। हां मैं गोली मार लूंगा। एक मिनट, मेरा पिस्तौल भी थे। ओ तोड़ा खाना खराब होवे अम्मा, सिलेंडर मेरा आया मरीज भी कुट दिता जी। कितने दिन हो सकता है इस लड़ाई के दौरान लगी है या बाहरों लैके आया सी? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਧਰ ਆਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਜੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਜੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਾ। ਓਏ ਯਾ। ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਓ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ, ਮੈਨੇ ਹੌਰਨ ਵੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੋ ਹਾਥ ਕਿਉਂ ਪਕੜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਇਨਕਾ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਇਹ ਦੌੜ ਜੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਗਾ ਤੋ ਮੁਕਾਓ ਇਹ ਰੌਲਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਏ? ਅਮਾ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸ ਉਮਰੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰਨੀ ਪਈ, ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੱਕਰੇ ਕੋ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਚਾਹ ਨਾ ਦੋ ਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਅਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਮਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਇਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਧਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀ ਨੀ ਬਦੀ ਨਥੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਸਾੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਗਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਜੀ। ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਲਕ ਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਾ ਜੀ ਸੁਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਅਮਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾਨੀ ਕੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਅਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਜ਼ਾਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਕੀ ਲੋਜਿਕ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਤੋ ਹੱਥ ਛੋੜੋ। ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਣ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਕਾ, ਔਰ ਆਪ ਇਹ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਕਿਰਦਾਰੋਂ ਮੇਂ ਕਿਤਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਲਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੱਟੀਆਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ? ਕਸੂਨ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ? ਸ਼ਰਾਬ ਅਜੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਥੱਪੜ ਮੁੱਕੇ ਜੂਤੋਂ ਸੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਕੀ ਇਸਕੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੋੜ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਟਾ, ਖੂਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਆ ਦੋ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਡਰਾਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਥਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਥਾਣੇ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਮਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਥ ਤੋਂ ਛੋੜ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੱਟੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਬੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੀ ਸੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਜੇ, ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਖਲੋ ਜਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਦੇ ਛੋੜ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਿਨਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਚਿਆ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅੰਤਰੀ ਇਧਰ ਆ, ਅੰਤਰੀ ਦੇ ਇਧਰ ਆ, ਇਧਰ ਜੇ ਇਧਰ ਆ, ਇਧਰ ਲਾਣੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਈ ਦਾ ਨੀ ਪਤਾ ਮੈਂ।